दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सीख रहे हैं उनसे। बहू अपनी सास को बोल रही है कि आप किसी में किसी से दबिए मत, और आपको कोई भी कुछ कह के चला जाता है आपको स्टैंड लेना चाहिए। और सास उसे समझा रही है कि परिवार में रहने के लिए एक दूसरे की बातों को टॉलरेट करना पड़ता है, हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करते, चीज़ों को रिश्ते तोड़ने बहुत आसान है। तो इस तरह की एक दूसरे के साथ समझा समझी हो रही। अभी तो रिश्ता नया नया है तो ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया है, सिखाने की कोशिश कर रही है। पर उसे बहू बहुत पसंद है क्योंकि उसमें उसे एक सर्टन पॉजिटिविटी लगती है, उसमें स्ट्रेंथ लगती है जो उसके खुद के कैरेक्टर में नहीं है। वो लोगों से दब जाती है और उसके सारा परिवार उसको प्यार से करके थोड़ा सा बेइज्जत भी कर देता है कई बार, पर वो माइंड नहीं करती क्योंकि सब घर वालों से प्यार करती है। तो ये बहू आती है तो कहती है क्यों कोई आपको इस तरह से आपसे बात करे। तो वो उसकी स्ट्रेंथ है बहू, और अच्छी दोस्ती है आपसे। 2013 अच्छा था, मुझे लगता है बहुत सालों के बाद मैंने फिर से काम वापस शुरू किया क्योंकि इस साल मेरी बेटी ने स्कूल फिनिश किया अपना स्कूल। जस्ट वन सेकंड, कैन यू सी वी आर डूइंग एन इंटरव्यू, डोंट शाउट प्लीज। मेरी बेटी ने स्कूल अपना कंप्लीट किया तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा फ्रीडम मिला है कि मैं काम वापस से शुरू कर सकती हूँ। तो पहले मैंने आई थिंक सितंबर अक्टूबर में पंजाबी फिल्म पहली बार अपने करियर में शुरू की। मज़ा आया क्योंकि मेरी मातृभाषा है, पर इतने सालों से मैंने पंजाबी में कभी मतलब ना काम किया है, घर पे ज़्यादा बात भी नहीं होती पंजाबी में, तो मज़ा आया मुझे करने का। ह्यूमर पंजाबी बहुत इंटरेस्टिंग है, लैंग्वेज इंटरेस्टिंग है। और अब ये टीवी सीरियल कर रही हूँ डेली सोप, वो भी पहली बार हिम्मत की है मैंने डेली सोप करने की, बिकॉज मुझे मालूम है उसमें कितना वर्क और डेडिकेशन होता है टाइम का। सो उससे मैं थोड़ा डरती थी कि महीने के 20-25 दिन का कमिटमेंट देना सुबह से शाम। आई फेल्ट कि मेरी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको मैं शायद उसकी वजह से मैं टाइम ना निकाल पाऊँ, पर अभी बच्चे बड़े हो गए हैं तो मुझे लगता है, एंड दे ऑल्सो इनकरेज मी कि मॉम गो हेड एंड डू इट, अभी आप करिए बहुत, आपने सब कुछ, मैंने बहुत काम को मना किया पिछले 10 सालों में, सो अभी आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव एक्सेप्टेड समथिंग। देखिए एक बात है कि 100 फिल्में करने के बाद वो नहीं होता कि मुझे ये कुछ भी करना है। अभी मैंने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, टॉप हीरोज़ के साथ, सबके साथ काम किया है, तो आई वॉन्ट वर्क सेटिस्फैक्शन के जो काम हो मुझे, क्योंकि मैंने जब करियर शुरू किया था मुझे काम की इतनी समझ नहीं थी, तो आई डिडंट रियली एंजॉय माय वर्क, आई वाजंट अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्टर। मुझे मतलब एज मैं पुराने अपनी फिल्में देखती हूँ तो कई बार लगता है कि मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं थी एक्टिंग की और कैमरा एंगल्स की, बट नाउ आई अंडरस्टैंड इट, आई हैव लर्नड अ लॉट इन लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनली। तो अभी कम काम करना चाहूँगी बट अच्छा काम करना चाहूँगी। दर्शकों को यही कहूँगी कि इस साल आप सब लोग पॉजिटिव रहिए, इन्जॉय करिए, जो आपकी एम्बिशंस हैं, फोकसेस हैं, उन पे फोकस करिए, क्योंकि आज के ज़माने में मैं खुद पाती हूँ अपने आप में भी बहुत आसान है बिखर जाना, डिस्ट्रैक्शन हो जाना, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है हमारी लाइफ में, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं और यंगस्टर्स, बिकॉज आई हैव टू यंग चिल्ड्रन, तो मैं देखती हूँ कि इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो हम लोग अपना फोकस खो लेते हैं आराम से, मतलब सबका उठने का टाइम लेट है, और लाइफ में वेस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। गो टूवर्ड्स योर गोल, फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड अचीव इट। बॉलीवुड और ग्लैमर के सभी देखने वालों को मेरा पूनम ढिल्लन उर्फ शारदा की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव अ वेरी मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर।